हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ओरोंड। कैसे हो आप सब? तो आज है ना, मैं है ना आपके साथ ये डिंकी जे जो है अभी पढ़ाई उसको सिखा रही थी, क्योंकि ये ना बहुत गब्दू है। इसको है ना कितनी बार बता रहे फिर भी इसके माइंड में जा नहीं रहा है टीटू। तो उनके उसके मम्मी ने बोला था कि थोड़ा सा उसको पढ़ाई भी कराना सिखाना, क्योंकि वो घर में सुनता नहीं है। तो इसीलिए है ना वो डिंकी थोड़ा सा उसको पढ़ाना सिखा रही थी। सिक्स में गया फिर भी इसको उस हिसाब से ना कुछ भी नहीं आता है। और ट्यूशन भी है अच्छा, ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, फिर भी है ना। गाइस वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है ना डिंकी पढ़ा रही है क्या नाम है टीटू को, इसका आर्यन नाम है, मतलब घर में इसको टीटू बोलते हैं। तो अभी आया है ना, तो अभी क्या बोलते हैं इसका है ना थोड़ा सा पढ़ाई मतलब रीडिंग में थोड़ा कमज़ोर है याद करने में। तो वो दो टिंकल और रिक्की जब मैं थी ना, जैसे मेरी शादी होने की थी तो मैं वही रहती थी, तो मैं अच्छे से पढ़ाती थी उन लोगों को, और ये इस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में। वैसे अच्छा है, ट्यूशन में पता नहीं क्या पढ़ाते इसको, ट्यूशन में क्या पढ़ाते हैं तो पता नहीं, लेकिन इनके यहाँ का ट्यूशन तो है, पूरी स्कूल में ट्यूशन लगा दे, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई कैसी है। मतलब मैम लोग से पैसा लेती है और कुछ पढ़ाती नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसका थोड़ा, तो ये डिंकी परी लगे इसको जब तक है तब तक उसको अच्छी रीडिंग करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो फिर भी तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैंने क्या चाउमीन नूडल्स बनाए थे तो वो खा लिए, इन लोगों ने खा लिए थे, मेरे पूरे काम हो गए। और डिंकी ने अपना है ना इधर एक रूम बना लिया है, या जो सोफा वगैरह थे ना वो हटा दिया, अब यहाँ पे वो टेबल बनाएगी मंगाएगी। तो क्या है वहाँ पे जो सामने वाले कमरे में टिंकल भी रहता है, और फिर कस्टमर आते हैं ना तो बेचारी को उठ के इधर आना पड़ता है, वो वहीं पड़ती थी नीचे बैठ के। तो अब ये अच्छे से उसने ना सजा दिया, ये देखिए तो अच्छे से कर लिया है भगवान जी के कमरे में। और यहाँ आपको सोफा दिखता था ना, अब यहाँ पे टेबल मंगा लेंगे उसके लिए, क्योंकि नीचे बैठ के बहुत अभी का तो ये इसमें कर रही है मैंने। अब देखो करते हैं बेचारी उसकी, अभी वो नीट की कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कर रही है ना नीट की, तो बहुत दिक्कत आती है, सुबह उठना पड़ता है, फिर चार बजे से शायद 7 बजे तक उसका रहता है, तो करती है तो बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए है ना वहीं पर डिस्टर्ब ना हो करके यहाँ पर सही है पीछे यहाँ पे तो कर रही है। कौन चिल्ला रहा है? हमारे इसमें गाय चिल्ला रही है, बोली कौन चिल्ला रहा है, भूख तो लगी नहीं होगी। तो ठीक है गाइस, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। लो 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 में आपकी मात्रा, लो में आपकी मात्रा ला, लो में ई की मात्रा ई, ला ई, ला ई नहीं, लो में ई की मात्रा ली, ली नहीं, मैं वीडियो थोड़ा बना रही हूँ, देख रही हूँ मोबाइल में। ला में उकी मात्रा लू, प में आकी मात्रा पाय, पा और ये पा, पाली, ये मत पढ़ सीखी वाले वर्ड पर, वो ऊपर का लगा दिया, वो क्या था ली, ये क्या था पा ली, पाँच ऊपर का ही पढ़ बस, पी आपकी मात्रा पा बनाना, पा ये पा में ई की मात्रा, पी पी की पी ली, ऐसे याद रखना पड़ता है, ई की मात्रा लगी तो पी बन जाएगा, लगी में ई की मात्रा लगी पी बन जाएगा, पा में ई की मात्रा। तो ये है ना एक दिन पहले की क्लिप है, और ये बर्गर टीटू के लिए मंगाए थे, क्योंकि इसको हमने अभी तक बाहर वगैरह ले के नहीं गए हैं, और फिर मैंने सोचा है चलो उस दिन ऑफर थी तो ये टिंकल ने मंगा लिया है मतलब उसके लिए, और ये दोनों भाई और डिंकी परी इन लोगों के लिए चिकन बर्गर मंगाए थे इन लोगों ने। तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है थोड़ा सा, कि मतलब ये शॉर्ट वीडियो बनाया था डिंकी ने, तो इसमें भी मैंने ऐड कर ली है क्लिप। और ये देखिए बहुत सालों बाद मतलब एक साल बाद ही, तो गाइस यहाँ पे मैं है ना बना रही हूँ कड़ी, बेसन कड़ी नहीं बेसन, मतलब एकदम पतला कड़ी जैसे आप लोग कड़ी बोलते हो, तो वैसे एकदम बेसन, और यहाँ पे बन रहे चावल, और अभी आटा गुथा है 2-4 मेरी रोटी, क्योंकि बच्चे लोग तो बेसन और चावल इनकी फेवरेट है, कड़ी कड़ी चावल जैसे बोलते हैं ना वैसे, तो हम लोग है ना ऐसे बेसन बनाते हैं एकदम पतला बेसन, वो एकदम कड़ी जैसा चावल के लिए,
और एकदम गाढ़ा भी बनता है। लेकिन आज मन हो रहा था, डिंकी परी बोल रही थी, टीटू भी बोल रहा था, उसकी फेवरेट है कड़ी बेसन चावल। और अब इसको पका रही हूँ कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, तो अच्छा लगता है। बस मट्ठा नहीं है इसमें, आप लोग कड़ी बोलते होगे, है ना। तो गाइज अभी रोटी बना लेती हूँ, और सुबह की चाउमीन नाश्ते में परी के लिए रखा है। परी स्कूल गई है ना, परी की स्कूल चालू है और उसकी टेस्ट भी है। हमारे इधर महाराष्ट्र में कैसा है, एक बार छुट्टी लग जाती है तो डायरेक्ट जुलाई में स्कूल लगता है। अब टीटू की कैसे एकदम से लग गई है, अभी उसके पापा एक्सपायर हुए थे ना, तो तब उसके एग्ज़ाम चल रही थी, तो हमने कुछ डिले कर दी, मतलब मैम लोगों को बोल के, क्योंकि 13वीं तक तो उसको वही घर में रहना था, उसके पापा मतलब जहाँ वो उसके पापा रहते थे वहाँ पे गए थे उसके दादा के गाँव। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर अभी उसकी पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हुई 14 अप्रैल से, तो अभी उसको जुलाई तक छुट्टी है। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल बना ले, चावल बहुत सारा रखा था, अभी उसको मैंने गरम कर लिया है, मतलब पानी जैसे डाल के थोड़ा बहुत सारा बचा था और थोड़ा सा बना लिया ताज़ा बच्चों के लिए। तो ऐसा है, और अभी कड़ी बन जाएगी और बस। और उधर आवाज़ आ रही ना, वो बहुत परेशान कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो ये पढ़ा रही है डिंकी। क्या वो अच्छी टीचर बनेगी? हाँ मुझे लगता है, क्योंकि पढ़ा रही है अच्छे से, तो लगता है कि अच्छी टीचर जरूर बनेगी, है ना गाइस। तो ठीक है, फिर देखो मारा मारा मारी, और इसका वीडियो बनाऊंगी। ये मारती है ना, तो वो है ना बदला जरूर लेता है, तो उसका वीडियो भी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इतना गंदा लड़का है ये देख, गंदा गंदा मतलब अच्छा, क्यूट भी है और बदला बराबर लेता है, ऐसा तो गलत बात है। देखो कैसे उसकी बुराई कर रही है, तो कैसे मुझे, तो उसको दो जब तक है तब तक हम लोग अच्छे से उसका मतलब ये करेंगे, केयर करेंगे। और चलो भाई, नहीं तो बातों में मेरी कड़ी ये हो जाएगी, छाले बहुत आते हैं, आपको पता है मुझे हर मंथली हर महीने छाले आते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपको बाद में। तो यहाँ पे मैं है ना घी बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब से गांव से गई थी बहुत सारा घी बन गया था, और अभी मैं सोची कि चलो ख़राब नहीं हो जाए मलाई, तो उसे मैंने बना लिया था घी। बाकी दाल कैसे खा लेता है? तब खा लेता है, खाने में कुछ नहीं चाहिए इसको, चटपटा। अभी हड्डी दोनों हड्डी कैसे खाएगा? बर्गर बर्गर पिज्जा, है ना। भी दो रोटी जबरदस्ती खाया, दो रोटी जबरदस्ती खाया, क्यों दो रोटी जबरदस्ती? तो भाई देखा आपने कितनी मस्ती कर रही है लोग, और इतना मस्ती मतलब बदला ले रहा है, और पढ़ाई के नाम से है ना भग जाता है, और है ना इसकी आदत है ना बुढ़े लोगों जैसे सुबह उठ जाता है, और सुबह ही रात को कितना ही लेट सोए, लेकिन और देखो कैसे कैसे मुँह चला के है ना, आप देख रहे हो कैसे इसको मार रहा है, तो इस टाइप का देखिए छोटा कार्टून कैसे बोल दीजिए आपको अच्छा लगा हटो ना यार यहां से जाओ ना दीजिएगा, क्योंकि इसकी मैं जब तक इसका वीडियो बनाती रहूंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अरे क्या पार्ट हो जाता है थाम, ऐसे बड़ों को मार सुबह सुबह आवाज ही पाला पाई मैं है ना इसको डांट रही थी, तो यही पूछ रही पढ़ाई के नाम से, और देखो कैसे मुंह चलाता है बराबर, सब याद रहता है, सिर्फ पढ़ाई का इसको याद नहीं रहता है, पढ़ाई करने में पीछे है और लड़ाई में आगे, वो है ना अपने बड़े भाई को भी मुंह चलाता है, और अभी रोने में आ गया था, तो मैंने मैं बोली वो नींद में था, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और